अलजेब्रा शुरू करने से पहले चर और अचर के बारे में जान लेते हैं ना, एक बार फिर से, कई बार बताए हैं है ना। चर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल है ना, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब, वेरिएबल मतलब क्या होता है? बदलने वाला है ना, जो वेरी करे है ना, उसको क्या बोलते हैं? चर। समझ में आ रहा है ना? चर। और एक होता है अचर है ना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। नाम से ही पता चल रहा है ना, कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदले है ना। जैसे हम लोग मैथ बना रहे थे लास्ट क्लास में, तो मान ले रहे थे ना एक्स, मान रहे थे ना किसी भी चीज को जो मालूम नहीं रहता था, एक्स मान लेते थे, फिर उसको सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आता था, लेकिन पहले से हम लोगों को पता नहीं रहता था कि वो उसका वैल्यू क्या आएगा है ना। तो जो चर होता है ना वो हमको पता नहीं होता है, तो उसको हम कुछ भी मान लेते हैं है ना, जैसे एक्स वाई जेड, बात नहीं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, कुछ भी मानते हैं, पी क्यू आर भी मान लेते हैं, पी क्यू आर या ए बी सी है ना, कुछ भी मानते हैं, ऐसे सारे नंबर को क्या बोलते हैं? चर, वेरिएबल है ना, वो फिक्स नहीं होता है ना, उसके बदले में कुछ भी आ सकता है। उसी तरह अचर में, अचर मतलब क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? वो फिक्स होता है, बदलता नहीं है, उसका मान क्या होता है? फिक्स रहता है। जैसे में क्या हो गया, 1 2 3 जितना भी काउंटिंग नंबर है ना वो क्या होता है बाबू? कांस्टेंट, ठीक है ठीक है, कांस्टेंट। जैसे कोई भी सिंबल भी हुआ, जैसे हैच, ये क्या होता है? ये भी क्या हुआ? एट द रेट, ये सब क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है ना। चाहे ये रुपीस भी क्या है, एक तरह रुपीस का साइन भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है। समझ में आ गया चर और अचर। अब देखिए, जो चर और अचर को एक साथ जब लिखते हैं तो क्या बनता है? अलजेब्रिक टर्म बनता है ना। जैसे ये एक्स और वाई जेड या पी क्यू आर ए बी सी को और कांस्टेंट को एक साथ प्लस माइनस साइन के साथ यदि लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक टर्म है ना। जैसे 3x, यहाँ 3 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। 3x ये क्या हुआ? एक अलजेब्रिक टर्म हुआ। अब देखना है कि कितना टर्म है इसमें, ये एक टर्म है ना। अगर हम 3x प्लस 2 लिख दें है ना, या 4x प्लस 5 है ना, ये क्या है? इसमें चर भी है अचर भी है ना। अब प्लस 2 एक पद है अचर का, 3x प्लस 2 इसमें कितना पद हुआ? एक पद तो ये है, दूसरा पद ये है ना, ये दो पद का है, ये एक पद का है, इसमें भी दो पद है। अगर हम और लिखें 4x स्क्वायर प्लस 3x y प्लस 3y प्लस 4 है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक टर्म है। अब देखेंगे इसमें कितना टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, चार टर्म हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? चार पदीय या फोर टर्म क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यदि उसके बराबर करके अगर किसी चीज के वैल्यू के बराबर कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 बराबर कुछ नंबर दे दें, 3 के बराबर कर दें, ये इसका वैल्यू 3 के बराबर हो तो इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं ना, है ना। अब देखिए आपका जो सवाल था है ना, इस टाइप का था, जिसमें पावर 2 लगा था ना, उसमें पावर 2 लगा हुआ था, मुझे याद है, आपको भले याद ना हो। देखिए अब देखिए, ये जो होता है ना इसमें 4x प्लस 5, देखो बाबू 4x प्लस 5 इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है ना। अब ये एक इसको नोट देखिए, दिमाग में रखिए, अगर इसी तरह अगर 4x स्क्वायर कर दें प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, अगर ऐसे भी लिखें 4x क्यूब भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x प्लस 5x प्लस और भी कोई नंबर ले ले, 10 ले ले, इक्वल टू 25 ले ले है ना, ये भी क्या है? इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है ना। तो देखिए यहाँ पर 4x का पावर क्या है? 1 है ना,
अगर ऐसे भी लिखे हम 5, इसका पावर क्या है? ये इसका पावर 1 है ना, ठीक है। इससे पहले अगर हम इसमें 2, इसमें अगर x लिखना चाहें तो x के पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 5 ही रहेगा। x के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, बताए थे, प्रूफ भी किए थे। x के पावर 0 या कुछ किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो इसमें हमारा इस इक्वेशन में मान लीजिए ये कुछ हो, ठीक है, ये 5 के बराबर है, 5 के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 0 बराबर 5 है, है ना। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है? 0। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, है ना। तो ये अलग अलग पावर है, इस पावर को ही क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पावर बोलते हैं, है ना। तो घात क्या है? एक घात है, यहाँ पे भी एक है, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, है ना। किसी भी इक्वेशन में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना, जो मैक्सिमम पावर होता है ना उसको क्या बोलते हैं? उस इक्वेशन का क्या बोलते हैं? घात, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे ही था, 2x² + 3x, ऐसे ही कुछ था, है ना, 5x - जो भी हो मान लीजिए ऐसे कुछ भी है। तो ये मैक्सिमम पावर यहाँ कितना है? यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे 0 पावर है। मान लीजिए एक्स के पावर 0 अगर लिख दें तो कितने उसका वैल्यू 2 ही रहेगा ना, एक्स का वैल्यू 1, एक्स के पावर 0 का वैल्यू 1 और इंटू 2 ही रहेगा। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। इस एक्सप्रेशन में सुनिए मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इस इक्वेशन का घात कितना होगा? 2। जो मैक्सिमम पावर रहता है ना, मैक्सिमम जो नंबर होता है एक्स का या चर के ऊपर जो मैक्सिमम पावर रहेगा ना उसी को क्या बोलेंगे? उस इक्वेशन का पावर या घात, है ना। तो आप लोगों से कोई भी पूछे कि इसमें बताइए कितना घात है, इसका घात, इस इक्वेशन का घात कितना है? 3। क्योंकि मैक्सिमम क्या है? 3 है। इसमें 2। क्योंकि मैक्सिमम कितना है? 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। अब आज के बाद कंफ्यूज कीजिएगा कभी, है ना, बहन को भी बता देना, है ना, ठीक। इसलिए वीडियो भी बन रहा है ना, वीडियो को दिखा देना। कोई भी नंबर हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है? वही उसका घात होता है ना। ये